दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस पर। तो क्लासेस आपके स्केलर की चल रही थी। यहाँ पे कल के दिन हमने क्या पढ़ा हुआ था, तो आपका यहाँ पे कल हमने कंप्लीट किया था मानव आँख, आपका जो आपका मानव नेत्र है वो हमने कंप्लीट किया। साथ ही बात करेंगे यहाँ पे दो रोग आपके बचे हुए थे जो आपका दिया हुआ है सिलेबस में, मानव आँख और दृष्टि दोष और उनका सुधार। ठीक है, तो हमने पाँच रोगों के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से रोग होते हैं, निकट होता है, दूर होता है, और आपका उसके बाद था वर्णांधता, मतलब आपका कलर ब्लाइंडनेस हो गया, अबिंदुता था और जरा दूरदृष्टिता था। ठीक है, तो पांचों के बारे में हम पूरा चर्चा कर चुके हैं। कौन से लेंस से दूर होगा वो हम पूरा पढ़ चुके हैं, कैसे ये रोग होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं कि कहाँ दिक्कत आती है इसलिए रोग होता है, और किस रोग के कंडीशन में क्या क्या प्रतिबिंब आपके बनते हैं, तो वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे अपवर्तन, जो आपका टॉपिक है। अगला टॉपिक देखेंगे अपवर्तन, और साथ में हम वहाँ पे देख लेंगे, देखो पूरा पढ़ के बता देता हूँ। एक प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन और एक प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश का फैलाव। ठीक है, हम इतना पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपका सिंपल सी चीज़ें हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन, तारे का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, प्रकाश प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव, आकाश का नीला रंग, प्रकाश। यहाँ तक आपका देखो, आकाश का नीला रंग यहाँ तक का बिल्कुल आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, नॉर्मल क्वेश्चन बनता है यहाँ से। वही क्वेश्चन मैं आपको हो सकता है एमसीक्यू फॉर्म में ले आऊँ, उससे हमारा ये सीधे सीधे कंप्लीट हो जाएगा, हमको इसका थ्योरी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बार ये भी करने की कोशिश कर सकता हूँ, देखता हूँ अभी। ठीक है, वो आपको अगली क्लास में पता चल जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा विद्युत प्रवाह और सर्किट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे, और बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ा सा ही टफ हो जाता है, उन्होंने ये चीज़ें ज़्यादा पढ़ी नहीं होती। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे। उसके बाद आपका बाकी बात कर लूँ, देख लीजिए आपका अगर पेड कोर्स आप लेना चाहते हैं, 499 आपकी फ़ीस रखी गई है। इसमें आपको मिलेगा फुल सिलेबस, साथ ही आपको मिलेंगे डेली आपको एक क्या करेंगे, एक पेड ग्रुप में ऐड करेंगे। ठीक है, पेड ग्रुप में ऐड करेंगे, जहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, 25 से 30 एमसीक्यू डेली मिलेंगे, वो आपके होंगे चैप्टर वाइज आपका। ठीक है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू होंगे, और वीकली दो आपके टेस्ट लिए जाएंगे, वो टेस्ट आपके ऑनलाइन लिए जाएंगे। वो क्या होगा, आपका मोबाइल पे ही होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। चार ऑप्शन आपको दिखेंगे, आपको सही राइट आपका आंसर दिखना होगा, और लास्ट में आपको आपके मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, दो आपके टेस्ट होंगे। ठीक है, ये गूगल फॉर्म में होंगे, जैसे आपको कल, अगर आपने नहीं देखा है तो कल की आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप कल का टेलीग्राम चैनल पे जाके टेस्ट दे सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। 20 क्वेश्चन कल के दिन में हमने दिए हुए थे। तो इसकी फीस आपकी 499 रखी गई है, और फुल सिलेबस के नोट्स मिलेंगे आपका, दो टेस्ट होंगे वीकली लगभग आपके 40-50 मार्क्स के, और डेली आपको पेड ग्रुप में 25 से 30 एमसीक्यू आपको डेली के दिए जाएंगे। देखो, लैंग्वेज हिंदी रहेगी तो ये ध्यान रखना है, इंग्लिश वाले आप अगर समझ में आ रहा है तो ले सकते हैं, लेकिन अगर समझ आता ही नहीं है तो आप बिल्कुल भी ना लें। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे आपका अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन देखेंगे। देखो, परावर्तन और अपवर्तन आपका अलग अलग चीज़ है। अब देखो, यहाँ पे सिर्फ अपवर्तन की बात की गई है, तो हम सिर्फ अभी क्या करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, अपवर्तन के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, अभी देखो हमने जैसे कि क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ी, हमने अभी लेंस नहीं पढ़ा, मिरर में हमने सिर्फ मिरर पढ़ा, लेंस नहीं पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी क्या पता बन जाए, तो इसको हम लास्ट में कवर करेंगे जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अभी यहाँ पे परावर्तन की बात नहीं की, लास्ट हम इस पर चर्चा करेंगे। पूर्ण आर्तरिक परावर्तन की बात नहीं की, उसको तो हम यहीं पे देख लेते हैं। पूर्ण आर्तरिक परावर्तन आपका वो चीज़ आपका होता है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है बहुत बार, परावर्तन पूछ लेता है, लेंस पूछ लेता है, तो इसको हम क्या करेंगे, लास्ट में चर्चा करेंगे, क्योंकि सिलेबस में दिया नहीं है, पहली बात यह है, और दूसरी चीज़ यह है, पूछा जा सकता है बिल्कुल। अगर आपसे अपवर्तन से क्वेश्चन बन रहा है तो परावर्तन से क्वेश्चन बन सकता है, इसी तरीके से आपका होता है। ठीक है, और आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी क्वेश्चन बन सकता है। चलो, अब देखते हैं अपवर्तन आपका, इसको बोलते हैं आपका रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन बोला जाता है अपवर्तन। आपसे सिंपल सा पूछा जा रहा था प्रिज्म में, लेकिन हम इसको पूरा समझ लेते हैं जब यहाँ पे बात आई गई है। ठीक है, ये आपका एक प्लेन है, इसको बोलते हैं आपका अभिलंब बोलते हैं, यहाँ से हम कोई किरण को भेज रहे हैं, ये किरण आपका यहाँ पहुँची। अब हम बोलते हैं कि ऊपर अपना क्या है, विरल माध्यम है। इसका मतलब क्या होता है, विरल का मतलब यहाँ पे डेंसिटी बहुत कम है, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा। ठीक है, वायु ले लिया हमने विरल के फॉर्म में, इसको इसी को लिया जाता है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि ये सबसे विरल माध्यम आपका बोला जाता है। अब यहाँ होता है आपका सघन माध्यम, इसमें जैसे कि आगे आपका कांच। ठीक है, मतलब घनत्व ज्यादा, यहाँ घनत्व कम रहता है, यहाँ घनत्व ज्यादा रहता है। ये आपका हो गया अभिलंब, ये हो गया आपका आपतित कोण, नहीं सॉरी आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण हो गया। अब देखो, जब ऊपर कभी भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई चीज आएगी तो वह अभिलंब की ओर झुकेगी।
झुकी, ये आपका अभिलंब है, मतलब इसकी ओर आपका झुकेगी। और यहाँ पे देखिए आपका अभिलंब के साथ ये बनाता है आपका आई आपतित कोण, और ये आपका हो जाता है परावर्तित कोण, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आई और ये एंगल आपका हो जाएगा आर। एंगल लेंगे किसके साथ, अभिलंब के साथ लेंगे आपका एंगल, और यहाँ पे आपका ये इस तरीके से आया, ये आपतित किरण, ये होगी आपकी अपवर्तित किरण। सिंपल सी बात है, ठीक हो गया। नॉर्मल सा डायग्राम आपका होता है, ये चीज आपको नोट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, इसके दो नियम है आपके, तो यहाँ पे आपको अपवर्तन के नियम और स्नेल का नियम भी इसको बोला जाता है, तो इसको आपको नोट कर लेना है। पहला नियम है आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब व अपवर्तित किरण, ठीक है, तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरी चीज, आपतन कोण की ज्या साइन आई और आपका अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात क्या होता है, आपका नियतांक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये दोनों चीज़ें नोट कर ली होंगी, पहला आपतित किरण और अपवर्तित किरण आपको पता चली गया, ठीक है। ये आपतित किरण है आपका और ये आपका अपवर्तित किरण है। अब स्नेल का नियम क्या होता है आपका, पहले तो तीनों एक ही उसमें होते हैं आपका, ये तो आपने लिख लिया। स्नेल का नियम होता है आपका साइन आर अपॉन सॉरी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू आपका होता है कॉन्स्टेंट, मतलब नियतांक। नॉर्मल सा आपको इसको याद करके चलना है, सिंपल सा ये पूछ लेता है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन जाता है। ये आपका दूसरा नियम है, पहला नियम आपको बता दिया, आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब और आपतन कोण आपका कैसे रहेंगे, एक ही पॉइंट पे आपका रहता है, ये आपने लिख लिया है। तो दो इसके होती हैं, ये चीज़ आपकी है। अब एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, अगर आपका ऊपर रहेगा विरल, सॉरी आपका ऊपर अभी तो सघन है ही, यहाँ पे देखिए आपका अगर ऊपर रहेगा सघन माध्यम, जैसे अभी विरल है ना, तो यहाँ पे अगर सघन माध्यम रहेगा और नीचे आपका विरल माध्यम रहेगा, तो जो आपका ये अपवर्तित किरण है ये कहाँ को जाएगी, अपवर्तित किरण कहाँ को जाएगी, ये पूछ लेता है। तो सिंपल सा है, मैंने आपको बोला था अगर आपका विरल से सघन में जाएगा, मतलब सघन में डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे लिख भी लो आपको समझने के लिए, डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी आपका कम है, तो इसमें क्या होता है आपका अभिलंब की ओर झुकता है, मतलब इस लाइन की ओर झुकेगा, इधर को ओर झुकेगा, जब किससे जाएगा विरल से सघन में जाएगा। अब इसी का उल्टा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाता है सघन माध्यम, ले लो कांच ले लो, यहाँ पे ले लो विरल, यहाँ पे ले लो आप क्या वायु ले लो, ठीक है। इनका अपवर्तनांक सबका अलग अलग होता है, वो अपवर्तनांक की एक लिस्ट है, वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन रहिए, वहाँ पे मैं इसके अपवर्तनांक की लिस्ट डाल दूंगा, वरना एमसीक्यू में हम कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सघन माध्यम में ये आया, ठीक है, ये आया सघन माध्यम में, ये आपकी क्या है आपतित किरण है। अब देखो कहाँ को आएगा, यहाँ को आएगा या फिर आपका यहाँ को जाएगा, अब ये आपको बताना है। यहाँ पे देखो आपका क्या है, सघन से विरल गया, यहाँ पे क्या था आपका विरल से सघन गया, तो कहाँ को झुका अभिलंब की ओर झुका, लेकिन यहाँ पे आपका सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर जाएगा, तो जितना दूर हो सकता है उतना दूर जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस तरीके से ये आपका बनेगा। अब यहाँ पे देखो आपका साइन आई ये हो गया और आर आपका ये हो गया, इस तरीके से ये है। सिंपल सा अपवर्तन आप समझ गए होंगे, कोई भी यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं। अब बात करेंगे यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आ जाता है, वो मेन क्वेश्चन आ जाता है आपका कहाँ से, वो आ जाता है आपका प्रिज्म से। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका प्रिज्म, आपने देखा होगा जब आपने स्कूल में गए होंगे या कॉलेज टाइम में भी देखा होगा, ये तो आपने कंफर्म देखा ही देखा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, श्वेत प्रकाश जो है आपका, अगर इसमें आप श्वेत प्रकाश एक साइड से डालेंगे तो अपवर्तन के कारण ही यहाँ पे इसमें आप देखेंगे ना, तो ये आपका क्या होता है सात कलर आपका दिखाता है। सात कलर कौन कौन से हैं, इन्हीं कलर में से क्वेश्चन पूछ लेता है। इन कलर में से क्वेश्चन क्या क्या पूछ लेता है कि कौन सा कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है, कौन सा कलर आपका सबसे ज़्यादा झुकता है, कौन से कलर की वेवलेंथ हो गया, एनर्जी हो गया, या फिर आपका अलग अलग इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं, या फिर आपका एंगल हो गया, ये आपसे पूछ लेता है। देखो किया क्या, ये एक सिंपल सा प्रिज्म है। प्रिज्म कैसा होता है आपका, देखिए इस तरीके से प्रिज्म है आपका, ये ऐसा होता है, नीचे भी ऐसे रहेगा और इधर साइड से भी ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा बंद रहता है, त्रिकोण रहता है पूरा, तो एक साइड से इसमें ये ऐसे साइड पे हमने यहाँ से इसमें लाइट फेंकी, तो आप इधर से देखोगे तो आपको सात कलर दिखेंगे। किस कलर से आपको याद करना है, विब्योर, यहाँ पे देखो आपका वी आई वी जी वाई ओ आर, जिसमें से वी क्या है वायलेट है, आई इंडिगो है, बी ब्लू है, जी ग्रीन है, वाई येलो है, ओ ऑरेंज है, और रेड आपका लाल हो गया। सिंपल सी चीज़ होगी, तो विब्योर आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चीज आपका हो गया। इसमें आपको देखो आपका श्वेत प्रकाश यहाँ से फेंका, इसको चले जाना चाहिए था ऐसे, इस डायरेक्शन में चले जाना चाहिए था, लेकिन ये इस डायरेक्शन में ना जाके ये आपके अलग अलग एंगल पे मुड़ गया,
हर कलर अलग अलग एंगल पे मुड़ा हुआ है, एक ही कलर पे सारे एंगल नहीं है, सबके लिए एंगल अलग अलग है। अगर बात करेंगे सिंपल सी, सबसे कम एंगल पे कौन मुड़ा? बताइए सबसे कम एंगल किसको मिला? तो सबसे कम एंगल की बात करेंगे तो सबसे कम एंगल पे मुड़ा है आपका रेड यहाँ पे, ठीक है। अब तो सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो वायलेट उसका आंसर रहेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, ठीक है, एक चीज़ बोलूँगा दूसरा आपको खुद ही लिखना है, ठीक है। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है रेड की, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। विचलन सबसे कम या विचलन सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वाला ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे कम वाला लिख दिया, कोई बात नहीं। विचलन सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो विचलन जो होता है आपका, अगर कोई मार्ग पे अगर उस कलर को फेंका जाए तो कौन उसमें ज़्यादा दिक्कत करेगा, मतलब आपका दिक्कत का मतलब है जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा वॉयलेट, ठीक है। वॉयलेट आपका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। अब देखो उसके बाद आपका क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपका देख लेता हूँ पहले। यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म बनता ही बनता है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपका 100% एक क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आ जाता है कि आपका जो बैगनी कलर है, ठीक है, हाँ ठीक है, जो बैगनी कलर है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, बिल्कुल हो गया। विचलन सबसे ज़्यादा किस्में होता है आपका, बैगनी में ही होता है, बैगनी मतलब आपका वॉयलेट जो दिया हुआ है। और उसके अलावा आपका देखिए, हाँ, अपवर्तनांक की बात करेंगे, बैगनी रंग का प्रकाश की चाल सबसे कम होती है तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक का पूछा जाएगा तो अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होगा? अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा आपका वॉलेट का, बैगनी का, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं, सिर्फ इसमें क्या क्या है आपका, बैगनी है और आपका क्या है, लाल है। इन्हीं दोनों में आपका अंतर रहता है। कभी कभी अगर आपसे सीक्वेंस से पूछ ले तो अगर आपको सबसे ज़्यादा वाला पता है तो धीरे धीरे आपको कम वाला भी पता चल जाएगा। इस तरीके से आपको इसका सीक्वेंस याद रखना है। चाल की बात करेंगे, ठीक है, चाल आप इसका चाल भी लिख लीजिए। चाल जो सबसे ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा का निशान है ये रहेगी आपकी लाल की, मतलब आपका रेड की। इतने पॉइंट आपसे पूछ ले जाते हैं, सीधे सीधे पूछ लेते हैं जो आपके प्रकाश का कलर, अगर हम एक श्वेत कलर आपका किसमें भेजेंगे, प्रिज्म में भेजेंगे, तो उसमें कितने कलर में विभक्त होगा, तो आपका होगा 7 कलर में, VIVGYOR आपको याद रखना है। पूछ लेगा उसमें सबसे अधिक चाल किस रंग की होगी, तो लाल रंग उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा, अपवर्तनांक किसका होगा तो वॉयलेट का होगा। सबसे कम एंगल कौन करेगा, रेड करेगा। और आपका जो आपका सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होगी, जो आपका वेवलेंथ है, ठीक है, ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा, रेड का होगा। विचलन सबसे ज़्यादा किसका होगा, वॉलेट का होगा। मतलब आपका सबसे कम किसका होगा, रेड का होगा। तो इसी का सेम टू सेम उल्टा है, यहीं पे आपका मैं लिख देता हूँ, बहुत लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाएंगे। चाल सबसे कम की बात करेंगे तो किसका होगा, वॉलेट का होगा। आप बताएंगे ज़्यादा की बात करेंगे, कम होगा तो किसका होगा, रेड का होगा। सबसे कम एंगल आपका एंगल ये अपना रेड है, सबसे ज़्यादा कौन होगा, वॉलेट होगा। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है, रेड की है, तो सबसे कम किसकी होगी, वॉलेट की होगी। विचलन सबसे ज़्यादा किसका है, वॉलेट का है, तो सबसे कम किसका होगा, रेड का होगा। सिंपल सी चीज़ है, ये चीज़ें हैं, ये आपको नोट करके रखनी है। इसके अलावा आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या थे आपके न्यूटन जी भी आए थे यहाँ पे बीच में, देखो इन्होंने क्या बोला था। देखो, न्यूटन के इस प्रयोग के आधार पर सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। मतलब समझ रहे हो, जो सूर्य का प्रकाश है वो आपको हमें क्या दिखता है, लगभग श्वेत किरण अपने को दिखती है, हमेशा कभी कभी लाल वाल टाइप का दिखता है, तो वो आपको उसको सफ़ेद मान के चलो, वो आपका क्या है, 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। उसके अलावा आपका उसमें अब उस रंग को अगर हम प्रिज्म में डालेंगे तो हमें उससे 7 रंग के आपके ये दिखता है, एक स्पेक्ट्रम दिखता है, 7 रंग का स्पेक्ट्रम दिखता है, जो कैसा होता है आपका, विग्योर होता है, VIVGYOR होता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ होगी। उसके अलावा दूसरा चीज़ क्या कहा, श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके 7 अवयवी अणों में विक्षेपित हो जाता है, बिल्कुल हो गया। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश का विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर मुड़ते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है और बैगनी सबसे ज़्यादा झुकता है। सिंपल, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपसे बोल दे मिनिमम कितने प्रिज्म आपको लगाने पड़ेंगे कि आपको जो श्वेत प्रकाश है आउटपुट में भी श्वेत प्रकाश मिले, यहाँ पे इनपुट हमने क्या दिया, श्वेत प्रकाश दिया, यहाँ पे व्हाइट लाइट दी हुई है इनपुट में, आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, विग्योर मिल रहा है, इतने लाइटें हमें मिल रही है, इतने कलर अपने को दिख रहे हैं। लेकिन आपसे बोल दे कि हमें मिनिमम कितने प्रिज्म की जरूरत पड़ेगी कि हमें आउटपुट में श्वेत प्रकाश ही लेना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, आपका सिर्फ 2 प्रिज्म की आवश्यकता होती है। देखो, एक प्रिज्म आप ऐसे लगाएंगे,
एक लगाएंगे उल्टे में इस तरीके से। तो यहाँ से आप श्वेत प्रकाश भेजा आपने, ठीक है, ये आपका हो गया और ये मैं ले लिया आर, ये आपका आर ले लिया, ये आपका वी ले लिया, दो ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये आपका ऐसे आएगा और ये यहाँ से आपका फिर, ठीक है, मतलब जिस तरीके से गया है ये ऐसी सीधी लाइन बनेगी। कैसी सीधी लाइन बनेगी? इस टाइप से लाइन बनेगी, ये ऐसे लाइन बनेगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, इस तरीके से बनेगी, या फिर यहाँ पे इसका इस तरीके से बनेगी। मतलब आपका यहाँ से अगर आपने व्हाइट लाइट दी है, श्वेत प्रकाश दिया हुआ है, तो यहाँ भी आपको श्वेत प्रकाश ही मिलेगा, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश के लिए आपको कितने प्रिज्म की जरूरत पड़ेगी? सिर्फ आपको दो प्रिज्म की जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ पे आप समझ गए हो। अगर आपको इधर से श्वेत प्रकाश चाहिए और इधर भी आउटपुट पर भी श्वेत प्रकाश चाहिए, तो दो प्रिज्म आपको चाहिए ही चाहिए होंगे, ठीक है। और किस लगाना है? एक आपका ऊर्ध्वाधर लगाना है, एक आपका उसका अपोजिट डायरेक्शन लगाना है। बाकी आप विद्योर के बारे में समझ ही गए हो। तो इतना ही यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो मेन चीज़ था जो मैंने यहाँ पे अभी इरेज किया हुआ है, वहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर से मिलता है, ठीक है। तो वो जो 5-7 पॉइंट थे ना, उसको अच्छे से याद कर लेना, वहीं से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। बाकी आप लोग पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हो, ऊपर नंबर दिया हुआ है, 499 आपकी फीस रखी गई है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। क्लासेज आपको यूट्यूब पर ही मिलेंगे, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। वहाँ पर आपको MCQ कराए जाएंगे, साथ ही आपको इंपॉर्टेंट नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही आपका। देखिए अगली क्लास में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कौन सा, वायुमंडलीय अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, प्रकाश प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव, आकाश का नीला रंग, विद्युत, सॉरी आकाश का नीला रंग। यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और काफ़ी कमेंट आ रहे हैं मैथ्स के लिए, देखो थोड़ा सा यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक सर्किट वाला जो आपका चैप्टर है ना, इसको कंप्लीट करते हैं। कहाँ तक कंप्लीट करते हैं? ओम्स नियम कंप्लीट करेंगे, प्रणाली आपका प्रतिरोध कंप्लीट करेंगे, करंट कंप्लीट यहाँ पे कर देंगे, विद्युत शक्ति कर देंगे। यहाँ पे देखिए विद्युत शक्ति तक जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद आपका नॉर्मल है, थ्योरेटिकल पार्ट है, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखा है, दाहिने हाथ का नियम, ये नॉर्मल पढ़ने वाली चीज़ें हैं। ये आपका यहाँ तक जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना आपका विद्युत शक्ति तक का, फिर हम अपना मैथ्स स्टार्ट करेंगे। और मैथ्स को फिर आपका लगभग 50-60% कंप्लीट करने के बाद ही आपका फिजिक्स पे आएंगे, ठीक है। बायोलॉजी थोड़ा लेट करेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है। और पेड ग्रुप वालों से बोल देता हूँ, जितना भी बायोलॉजी में कराया हुआ है उसको डेली रिवीजन करते रहिए आप लोग, ठीक है। उसमें क्या है आपका जो आपका बायोलॉजी है, उसमें आपका पढ़ने वाली चीज़ें हैं, याद करने वाली चीज़ें हैं, उसमें आपके ऐसे ऐसे वर्ड है कि जो थोड़ा याद कर पाने टफ हो जाते, तो उनको आपको याद करते रहना है। बायोलॉजी आप पढ़ते रहिए, केमिस्ट्री का आपको मैंने बता दिया है पेड ग्रुप वालों को, जहाँ तक मैंने आपको क्लास करा रखी है, उसके बाद पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का यूज हो गया, NaCl का यूज हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन है और आपका नॉर्मल से क्वेश्चन है, मतलब आपका जो पढ़ने लायक है, तो उसको आप वहाँ से पढ़ लीजिए, जल्दी कंप्लीट कर लीजिए उसको, तो आपका केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बात करेंगे फिजिक्स की, तो फिजिक्स का देखिए 5-6 चैप्टर, 4 या 5 दिन में आपका फिजिक्स हाफ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फिर मैथ पे चले जाएंगे। और देखिए पेड वाले क्या करेंगे, जो फिजिक्स का चैप्टर बचेगा आगे का, जैसे कौन कौन सा बचेगा, यहाँ पे देखिए आपका पढ़ने वाली है बिल्कुल ही चीज़ें, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं खुद पढ़ेंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम खुद पढ़ेंगे, विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, गति की दिशा, वेग के दर में परिवर्तन, जड़ता का द्रव्यमान का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, संरक्षण नियम, गुरुत्वाकर्षण, सार्वभौमिक नियम, ये पूरा आपका पढ़ने वाली है। कहाँ तक का? जहाँ पर आपका देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत, सापेक्ष घनत्व का पूरा पढ़ने वाला है। फिर यहाँ से आपका थोड़ा सा पढ़ाने लायक है कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कार्य करने की दर, ध्वनि उत्पादन और प्रसार, विभिन्न माध्यमों ध्वनि की गति, ध्वनि का परावर्तन, प्रतिध्वनि, सुनने की सीमा, अल्ट्रासाउंड के उपयोग, सोनार, मानव का, ठीक है। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, पढ़ाने को पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन जो आपका मेन पढ़ाने वाला है उसको पहले कवर करेंगे, जो आप खुद पढ़ सकते हैं उसको हम लास्ट में कवर करेंगे, कवर हम पूरा करेंगे, ठीक है। तो पेड वालों को मैंने बता दिया क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। और बाकी आप लोग अगर पेड कोर्स लेना चाहते हो, तो ऊपर आपको नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लोग कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।